हेलो हाय गुड इवनिंग। हेलो हाय गुड इवनिंग। सो व्हाट्स आज हमने सेलिब्रेट किया रिपब्लिक डे। अप? चारों तरफ देशभक्ति के रंग और देशभक्ति का पीछे जोश। चारों तरफ भी और पीछे भी। बहुत मजा आया, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हुए। यीशु ने अपनी फेवरेट चीजें भी खाई। आज तो राष्ट्रीय पर्व त्योहार है भाई, क्यों ना खाएं। बाकी सारे त्योहार में तो हम बड़े मजे करते हैं, तो हमारे घर में एक ट्रेडिशन है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्वों पर स्पेशली मिठाई बनती है। और अगर कुछ भी मिठाई ना बने, बाजार से भी ना ला पाए, तो हम घर में हलवा बना के भगवान को भोग लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं हम सब मिलके कि हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखे। क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे, देश है तभी तो हम हैं। तो बचपन से, जब मैं छोटी थी तब से हमारे पेरेंट्स ने ट्रेडिशन डाला है। ऐश्वर्या को भी पता है, वो भी करती है। तो सुबह उठते ही पहले कि आज तो 26 जनवरी है, जब 15 अगस्त होता है तब भी ऐसा ही होता है कि मम्मी जरूर कुछ ना कुछ मीठा बनाएंगी, भगवान को भोग लगाएंगी। आप कहेंगे हमें दिखाया नहीं, इसलिए नहीं दिखाया कि मॉर्निंग में मैं स्कूल गई हुई और मैं थी चेक करके और मुझे सिर्फ प्रसाद मिला सब खा गए। लेकिन देशभक्ति के नाम पे प्रसाद बहुत मीठा था। और हम नमन करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में, देश को बचाने में अपनी जान की बाजी लगा दी। तुमको पता है इश, मेरा एक स्टूडेंट भी शहीद हुआ जब हमारे देश में 26/11 का मुंबई में ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ था। उस समय हमारा एक स्टूडेंट जहीन मतीन वहां पर शेफ के रूप में सेवाएं दे रहा अच्छा, था। वो अपने स्कूल से है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे स्कूल का वाओ, है। एंड आई एम वेरी प्राउड, वेरी प्राउड ऑन हिम कि मैं उसकी टीचर हूं, रही हूं। फैमिली की तो बातें क्या है दोस्तों, सच में सलाम है जहीन। चलियो। और उसने वहां पर टूरिस्ट की जान बचाते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। 26/11 को वो शहीद हो गया था बच्चा, उसको शेफ बनने का शौक था। सोचते हैं तो भी बहुत बहुत गहराई तक चले जाते हैं कि कैसा जज्बा रहता है। शुक्र है कि हम हमारे बच्चों में वो जज्बा भरने के काबिल हैं। बीइंग ए टीचर ये बहुत अच्छी बात है, टीचर बनने की सबसे अच्छी बात यही है। जो लोग ये कहते हैं ना कि जो कुछ नहीं कर पाता वो टीचर बन जाता है, तो जरा ये सोच ले कि जो टीचर होता है वो बच्चों के अंदर से वो चीजें बाहर निकाल लेता है जो कभी ना कभी गहराई में दबी होती है, छुपी होती है। करेक्ट। माता पिता के अलावा टीचर्स ही ऐसे होते हैं जो बच्चों को सही राह दिखाते हैं और उनके अंदर जोश और जज्बा और देशभक्ति भरते हैं। तो आज हमने जहीन मतीन को याद किया और उसकी फैमिली ने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, जहीन मतीन मेमोरियल ट्रस्ट। तो वो लोग जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, साइंस का स्टूडेंट था वो, तो अच्छा, साइंस स्ट्रीम के जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, टॉपर्स होते हैं ईयर के, उनको स्कॉलरशिप देते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, बच्चे तुमने हम सबका सिर ऊंचा किया है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे सैनिक है जिन्होंने देश का सिर ऊंचा किया है। आज के दिन हम सब उनको नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं, भरोसा रखते हैं कि देश के हर बच्चे के मन में देशभक्ति जरूर हो, कुछ हो ना हो देशभक्ति जरूर हो। और याद है पिछली बार इसीलिए इतनी कड़ाके की सर्दी थी और आपको ग्राउंड पे जाना था प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ बच्चों का मन विचलित हो रहा था, पर हमारे घर में मम्मी पापा ने कहा था कि जरूर जाना है। कड़ाके की सर्दी, यहाँ पे कोई सर्दी है क्या? उस सर्दी के बारे में सोचो, -40 डिग्री में जहां हमारे सही आगे है। मैन खड़े रहते हैं। और यूं मम्मी पापा तुम्हें कहीं नहीं जाने देते, बहुत ध्यान से रखते हैं हम सब तुम्हें, क्योंकि तुम सबसे छोटी हो। लेकिन वहां जाने के लिए किसी ने नहीं रोका। किस पापा, तू तू जाके सुबह मैं छोड़ के सुबह आऊंगा। सुबह सुबह मुंह अंधेरे तुम्हें कहा कि नहीं जाओगी और परेड करोगी। पापा ने मेरे को उठा दिया। बिल्कुल बिल्कुल जाना है, देश के किसी काम में उठ कभी पीछे नहीं उठ। रहना है, क्योंकि देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का दिन बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है और मन बहुत ही खुश है, जोश से भी लबालबे आप देख रहे होंगे नहीं, ऐसा कुछ। बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन था, काफी टाइम के बाद सेलिब्रेशन हुआ। हालांकि स्टूडेंट्स तो नहीं आए थे, पर टीचर्स में कोई कमी नहीं थी जोश की, हमने फुल सेलिब्रेशन किया।
लेकिन गाइडलाइंस के साथ। हाँ, गलत ना समझे, किसी भी गाइडलाइन की कोई भी कड़ी नहीं टूटी, सब कुछ बराबर था। सलाम है देश को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड वंदे मातरम। वंदे मातरम।